हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। सज्जन को आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया। निचली अदालत ने 30 अप्रैल 2013 को उन्हें बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने सज्जन के अलावा 3 अन्य दोषियों कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और कांग्रेस के पार्षद बलमान खोखर की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। बाकी 2 दोषियों पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। पिछले महीने पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की एक गवाह चाम कोर ने सज्जन को पहचान लिया था। चाम ने बयान दिया था कि घटना स्थल पर मौजूद सज्जन सिंह ने वहां मौजूद दंगाइयों से कहा था कि सिखों ने हमारी मां इंदिरा गांधी का कत्ल किया है, इसलिए इन्हें नहीं छोड़ना। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और सज्जन कुमार सिख विरोधी दंगों के प्रतीक बन गए थे। इस तरह से कांग्रेस ने लोगों के साथ अन्याय किया। इस मामले में एक और नेता कमलनाथ का नाम आया था। कांग्रेस उन्हें आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला रही है। केंद्रीय मंत्री और अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने शिरोमणि अकाली दल की गुजारिश पर 2015 में 1984 दंगों की जांच के लिए SIT का गठन किया। आखिरकार इंसाफ का पहिया घूम ही गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।